ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 17 अक्टूबर की ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जो मर्यादा की लकीर है, जो रेखा है, कहते हैं ना वैसे लक्ष्मण रेखा भी कहा जाता है, इसको पार किया सीता जी ने और रावण पकड़ लिया, वो रेखा संकल्पों की रेखा है, जिसमें कि आप या तो श्वेत या तो फिर अंधकार कालेपन में हैं। अगर श्वेत हैं तो आपके अंदर सुख है, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, खुशी है, आनंद है और सब कुछ है, शक्ति भी है। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर के लिए उस साइड क्रॉस किया सफ़ेद से अंधकार की तरफ, तो मन में चंचलता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, अपवित्र संकल्प, चक्रव्यूह चलना शुरू। तो देखें आज परमात्मा कहते हैं क्या है, इस मर्यादा को क्यों नहीं क्रॉस करना है। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले, किसकी छत्र छाया? परमात्मा की छत्र छाया, ब्लेसिंग्स उनकी मिलती हैं वाले मायाजीत विजयी भवा। अगर मर्यादा को हमने लकीर को क्रॉस कर दिया तो उनकी छत्र छाया गायब। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना हम परमात्मा के कांस्टेंट याद में रहते हैं, अपने आप को आत्मा समझ, बिंदु समझ, एनर्जी समझ, इन्फिनाइट एनर्जी समझ, आप जितना हम उन इन्फिनाइट लाइट या एनर्जी को हम याद करते हैं, जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं, संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं कि चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, चलो इसके बारे में कुछ औरों को बताते हैं, अपने को समझता क्या है, या कोई भी अपवित्र कर्म किया, सिर्फ सोच नहीं, सोच में भी, बोल में भी, कर्म में भी, खान पान में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खाना भी सही तरीके से सोच करके खाना क्या खा रहे हैं और किसके हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, उसकी एनर्जीज जाती हैं, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि लकीर है मर्यादा की। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई भी हिम्मत नहीं अंदर आने की, किसी की भी हिम्मत नहीं, मतलब कि कोई भी अपवित्र सोच, बोल, कर्म, इम्प्योर थॉट हमें इफेक्ट करता है, ईर्ष्या वाले थॉट्स हो, चाहे वो किसी के प्रति घृणा वाले थॉट्स हों, हमें इफेक्ट करते हैं, वो ही हमारे लिए लकीर है। और अगर हमने ये थॉट्स क्रिएट किए, मन अपवित्र हुआ, कनेक्शन टूटा। फिर परमात्मा कहते हैं मर्यादा के लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार, इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। परमात्मा का साथ रखें, उनके अनुभव में रहें, उनकी फीलिंग्स में रहें, हाईएस्ट स्टेज में रहें, हाईएस्ट वाइब्रेशंस में रहें, हाईएस्ट थिंकिंग में रहें, डिटैच रहें, तो माया से सेफ रहेंगे। कोई भी चीज़ हमें हलचल में नहीं लाएगी, हमारा मन विचलित नहीं होने देगी। ये हमारे ऊपर है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने मन को प्रोटेक्ट करना, मन की खिड़कियों को, दिखने वाली खिड़कियाँ तो नहीं है लेकिन मन की खिड़कियों को बंद रखना फालतू बातों से। ये कैसे होता है इसको और जानने के लिए ब्रह्म कुमारी का कोर्स करिए, नहीं तो फिर सैटरडेज को 5 बजे हर सैटरडे को हम सेशन रखते हैं जूम पर, उसको अटेंड करें। मोर डिटेल्स के लिए या तो अगर आप व्हाट्सएप में सुन रहे हैं मुझे कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो फिर यूट्यूब में अगर आप सुन रहे हैं तो मुझसे पूछें कि उस ग्रुप में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।